हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो ये सबसे पहले मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के ये पनीर को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, मगर हल्के से फ्राई करूँगी इनको। ऐसे इसे तलने से थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है। वैसे कच्ची भी ऐड कर सकते हैं, मगर ऐसे तेल में थोड़ा सा फ्राई करने से टेस्ट अलग सा आता है इसका, इसलिए मैंने कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा फ्राई करे हैं, तो ये हो गए हैं। एकदम ब्राउन नहीं करने, हल्के से करने इस तरह से। तो ये हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया है, जो ऑयल बचा हुआ था इसका। और प्याज को थोड़ा सा भूनना है। प्याज हल्का सा हो गया है, तो अब मैं इसमें करूँगी 1 चम्मच बेसन ऐड, जो मुझे इसी ऑयल में भूनना है। इसे बहुत अच्छे से भूनना है इसमें, जिससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन को भून के ऐड करो तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और उसका टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। तो अब मैंने ऐड कर दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी मैं भूनूंगी। ये देखो, और अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करने हैं, मगर इसे थोड़ा सा और भूनूंगी मैं अभी। मिर्ची भी मैंने ऐसे फाड़ के डाली है, क्योंकि बच्चे बारीक काट के डालो तो उनके मुंह में चली जाती है, तो मैंने इस तरह से फाड़ के डाली है। और इसे भी बहुत अच्छे से भूनेंगी। जितना मसाला अच्छे से भुना जाए उतना अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। मसाले मेरे यही होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, मगर इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरे पास आज थोड़ा सा पड़ा था पनीर मसाला, और बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीबन मैंने वो ऐड करा है इसमें। और इन सबको भूनने के बाद इसमें मैंने जो पालक उबाल के पीसा था वो ऐड कर दिया है। तो पालक हम जब पीसेंगे तो एकदम बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का हल्का पीसना है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एकदम बारीक कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से मैं इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करूँगी, एकदम गाढ़ा भी नहीं। और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये, फिर बेसन इसमें ऐड करी हुई तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो मैंने इस तरह से रखी हुई है। ये पनीर भी ऐड कर दी है। थोड़ा देर इसमें उबाल आने के बाद, मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं करा था इसमें, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा उबालना है, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। मगर थोड़ा देर अच्छे से पकाना है इसे, सारे मसाले अच्छे से पक जाएं पालक के साथ। ये देखो, हो गया है, लगभग अच्छे से पक गई है सब्जी। तो अब मैं इसे एक साइड रख दूंगी, और जो मैं इसका तड़का बनाऊंगी, तड़के से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तड़के से ही ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए जब भी पालक पनीर बनाएं तो उसमें तड़का अलग से लगाएं, जिससे अच्छा टेस्ट आता है। तो हो गया, ये रख दिया मैंने अलग। अब मैं लगाऊँगी तड़का। तो इसमें डाल दिया मैंने घी, 2 चम्मच के करीबन घी ऐड करा है। और उसमें अब मैं डालूंगी कुछ दाने सरसों के। ये देखो, सरसों के दाने ऐड कर दिए, थोड़ा सा जीरा। ये थोड़े से हल्के से हो जाएंगे, तो इसमें मैंने 2-3 ये साबुत मिर्ची ऐड करी हैं, इन्हें भी अच्छे से भूनूंगी। तो गैस एकदम कम रखनी, एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे हम, ज़्यादा तेज रखेंगे तो ये जो तड़का है हमारा जल जाएगा। ये देखो, हो गया है। और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है, जो पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करी है मैंने, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको इस तरह से। ये देखो, बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा था, बहुत अच्छी टेस्टी सी बनी हुई थी सब्ज़ी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। Thank you.